कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है, कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्टेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको नीचा दिखाने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी जी कितने दुखी थे जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नीचा दिखाया था। तो ये तो कांग्रेस की आदत है, ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आज़ादी के लिए कुछ किया, और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना ये कांग्रेस की आदत रही है।